वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। BIS एडमिट कार्ड का जारी कर दिया गया है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा रिसेंटली जो वैकेंसी निकाली गई थी उस वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया, वहाँ से जाकर आप BIS का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें BIS एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड BIS एग्ज़ाम डेट 2024 और 2024 में इसमें देखेंगे तो इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। कमिशमेंट डेट की बात करें, डाउनलोड करें तो 6/11/2024 और क्लोजर ऑफ कॉल लेटर डाउनलोडेड 21/11/2024 इसकी लास्ट डेट दी हुई है। चलिए इसकी पूरी डिटेल की जानकारी हम आपको देते हैं समय समय पे। ऐसे ही हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे डियर स्टूडेंट, इसमें BIS एडमिट कार्ड 2024 का डाउनलोड आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। डाउनलोड BIS एग्ज़ाम 2024। BIS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से ग्रुप ए, बी और सी पर वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। BIS रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें इसका सी नंबर है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 ऑनलाइन फॉर्म इसमें 30/9/2024 तक भरे गए थे और BIS रिक्रूटमेंट 2024 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट सीनियर टेक्नीशियन ETC पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की जो एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है और BIS एग्ज़ाम जो है इसकी BIS के द्वारा जो एग्ज़ाम डेट जारी की गई है वह 19/11/2024 से 21/11/2024 तक होने वाला है। BIS एडमिट कार्ड 2024 के डाउनलोड जो लिंक है वो लिंक जारी कर दिया गया है। BIS रिक्रूटमेंट एडमिट कार्ड 2024 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, BIS रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 9/9/2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 30/9/2024। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 19/11/2024 से 21/11/2024 के बीच में है और एडमिट कार्ड जो है वो 6/11/2024 से डाउनलोड हो रहे हैं। टोटल पोस्ट इसमें 345 पोस्ट है। ये बल्क अमाउंट में वैकेंसी थी। जिस कैंडिडेट ने भी फॉर्म भरा है तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। डियर कैंडिडेट, BIS रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की 3 पोस्ट थी, इसमें पर्सनल असिस्टेंट की 27 पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन की 43 पोस्ट, असिस्टेंट कैट की 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 19 है, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 128 पोस्ट है और इसमें जूनियर सेक्रेटरियल की 78 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की 27 पोस्ट है और सीनियर टेक्नीशियन की 18 पोस्ट है और टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। तो ये टेक्नीशियन की पोस्ट में ITI रिलेटेड है और सीनियर टेक्नीशियन भी ITI रिलेवेंट है और टेक्निकल असिस्टेंट की भी डिप्लोमा रिलेटेड है। तो इसमें पॉलिटेक्निक पास कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, बाकी में ITI पास कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो BIS की जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट देख लीजिए आप, 19/9/2024 फर्स्ट शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एग्ज़ाम होगी। 19/9/2024 में सेकंड शिफ्ट में 12:30 से 2:30 के बीच में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड के कैंडिडेट की एग्ज़ाम करवाई जाएगी। BIS 19/9/2024 की थर्ड शिफ्ट में आप देखेंगे तो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम टेक्निकल असिस्टेंट लैब और स्टेनोग्राफर असिस्टेंट कैट की एग्ज़ाम कराई जाएगी। 21/9/2024 को थर्ड शिफ्ट में सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर फाइन MA CA हिंदी सीनियर टेक्नीशियन की एग्ज़ाम कंप्लीट कराई जाएगी। तो ये BIS की एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। अब हम चलते हैं कि हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो BIS के द्वारा जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो किस टाइप से डाउनलोड करेंगे, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड में यदि हम देखते हैं तो फॉलो इन द लिंक फॉर ऑर्गेनाइज ऑफ वेबसाइट डाउनलोड इन कॉल लेटर। तो हम जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, सीधे आपको एडमिट कार्ड के लिए जो पोर्टल खुलता है वो पोर्टल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जाके आप अपने डेट ऑफ बर्थ, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, या उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। BIS रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम यदि हम देखें तो इन दिस करेक्शन द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इट इज़ टू बी हेल्ड ऑन
19 नवंबर 2024 से 21 नवंबर 2024 फॉर वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर स्प्रिड ऑल ओवर द कंट्री। तो इंडिया में BIS की जहाँ पर भी एग्ज़ाम होगी उसकी डेट जारी कर दी गई है। BIS एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस थोड़ा सा ब्रीफिंग में आप समझ लें तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंपेराइज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन स्टार्टेड बिलो। तो इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स के रहेंगे, ड्यूरेशन 45 मिनट का रहेगा। सेकेंड है जनरल अवेयरनेस का, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के ही होंगे, 20 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। थर्ड है जनरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के ही रहेंगे और 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और इसमें डोमेन नॉलेज, इसमें 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 50 नंबर के, 40 मिनट आपको दिया जाएगा। ऐसे 120 मिनट आपको मिलेंगे, 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन होंगे और उस हिसाब से ही आपको पेपर तैयार करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर द असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी वैकेंसी का इसमें सिलेबस आप देख लीजिए। इसमें भी एज इट इज़ सेम, जिस तरीके से उसमें पूछा गया उस तरीके से इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये बाइलेबल लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और एज अ सेम आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर आप द टेस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें फाइनेंस वाले, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब ये समझिए कि इनका भी जो सिलेबस है एज इट इज़ सेम है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। तो ये इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो डियर कैंडिडेट, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और BIS एग्ज़ाम की जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट आप इसका जो PDF है वो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके पूरा डिटेल इसको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, BIS के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कैसे करेंगे और आपको इसका सिलेबस क्या क्या है इसकी पूरी अपडेट हमने आपको दे दिया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।